नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पाइस विद फ्लेवर में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हिमाचल की बहुत ही प्रसिद्ध डिश जिसे सिड्डू कहा जाता है, जो कि कुल्लू मनाली में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे होती है, तो सभी बड़े शौक से खाते हैं जो भी पर्यटक आते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ले लूँगी 2 कटोरी आटा। मैंने नॉर्मल आटा लिया है, वैसे सिड्डू जो है सुपरफाइन आटे से बनता है। तो इसमें अब डाल लेंगे 1 चम्मच ईस्ट का, जिसे खमीर कहते हैं, 1 चम्मच डाल देंगे नमक और मिला लेना है पहले इसे हाथों से अच्छे से। और इसे अब पानी डाल के गूंथ लेंगे, जैसे कि नॉर्मल आटा लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। सिड्डू जो है खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ होता है जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट देते हैं। तो अच्छे से इसे गूंद लेंगे। मैं नॉर्मल आटे से बना रही हूँ तो थोड़ा कलर में डिफरेंस रहेगा, सुपरफाइन आटे से बिल्कुल वाइट कलर के बनते हैं। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे ढक्कन लगा देंगे। और साथ में इसे, अब मैं तो एक टॉवल ले रही हूँ क्योंकि गर्मियों के दिन हैं तो जल्दी खमीर उठ जाता है, तो टॉवल में इसे कवर कर रही हूँ। अगर ठंड में बना रहे हो तो आप कोई ब्लैंकेट या गर्म जो चीज़ है उससे आप इसे कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं धुले माँ की दाल और साथ में ले लिए हैं बादाम और अखरोट। तो दाल को मैंने भिगो लिया था 3 घंटे के लिए और ये देखिए ये फूल गई है। अब इसे हम टर्न कर लेंगे एक मिक्सर जार में और इसे अब ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह से बन जाएगी अच्छे से। और इसे निकाल लेना है एक बाउल में। मैंने अब एक छोटा जार लिया है जिसमें मैं ड्राई फ्रूट की फिलिंग बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने थोड़े बादाम जो हैं इसमें डाल लिए हैं जार में, थोड़े मैंने रहने दिए हैं। और अखरोट भी ऐसे ही मैं निकाल लूँगी और थोड़े से जो है वो रहने दूँगी क्योंकि हम इसकी बाद में चटनी बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे हमने ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए दरदरा सा इसे पीस लिया है। इसकी भी हम फिलिंग भरेंगे। 2 तरीके से मैं सिड्डू बनाऊंगी, एक दाल वाला और एक ड्राई फ्रूट की फिलिंग वाला। और इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच डाल लेंगे काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच डाल लेंगे चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच डाल लेंगे गरम मसाला, 1/2 चम्मच डाल लेंगे धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच डाल लेंगे अमचूर पाउडर और मिला लेंगे। अमचूर पाउडर से चटपटा सा टेस्ट आता है। और कलर के लिए डाल लेंगे हल्दी, जो देखने में अच्छा लगता है फीलिंग बाद में। तो मिला लेना है इसे अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से इसका कलर आ जाएगा और सारे मसाले जो इसमें मिक्स हो गए हैं। इसी तरह से मैंने सारे मसाले जो हैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें भी डाल लिए हैं और ये दोनों फिलिंग जो हैं तैयार हो गई हैं। अब हम बना लेंगे चटनी, जिसके लिए मैंने ले ली है मूंगफली। अब इसमें डाल लेंगे बादाम और अब इसमें डाल लेंगे अखरोट, थोड़े से पुदीने के पत्ते, सफ़ेद वाले तिल ऐड कर लेंगे, नमक डाल लेंगे 1/2 चम्मच, मिर्च डाल लेंगे हरी, मैंने 2 डाली हैं, 1 अदरक का टुकड़ा डाल लेंगे। एक्चुअली धनिया नहीं मिल रहा है तो इसलिए धनिया स्किप कर दिया है, नहीं तो धनिया डालोगे तो बहुत ही अच्छी चटनी बनती है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी जो है वो बनके तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी है ये।
धनिया डालने से इसका कलर जो है वो ग्रीनिश सा हो जाता है, जो बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। अगर आपके पास है तो धनिया ज़रूर ऐड करें। और ये देखिए हमारी सारी जो है चीज़ें तैयार हो गई हैं। और ये जो आटा है इसको मैंने 3-4 घंटे के लिए रखा हुआ था, तो ये भी अब हमारा तैयार हो चुका है। देखिए फूल गया है, इसका खमीर जो है उठ गया है। ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, अच्छे से इसका खमीर उठ गया है। अब हमें क्या करना है कि इनको हाथों से ऐसे ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर लेना है ताकि जो इसके एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। ये देखिए इस तरह से कर लेंगे। अब हमें इनकी बनानी है लोई, और लोई जो है हमें थोड़ी नॉर्मल लोई से मोटी बनानी है और एक ही साइज़ की बनानी है सारी। ये देखिए अच्छे से इसे बना लेना है और इससे लोई को बना के हम प्लेट में रखते जाएंगे। सारी लोई हम बना लेंगे पहले। सारी लोई बना के तैयार कर ली है, अब आ गई है स्टफिंग की बारी। तो लोई को हाथ में लेंगे और आटा लगा लेंगे और जो अपनी हथेली से उसी से ही हाथ से गोल गोल करके इसको बड़ा करेंगे। आप बेल भी सकते हो इन्हें हल्के हाथ से, पर हाथ से बनाने से ज़्यादा अच्छी बनती है। ये देखिए इस तरह से इतने साइज़ में हमें बना लेनी है। अब इसमें हम भरेंगे दाल की स्टफिंग, अच्छे से डाल लेंगे। और इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इसे बंद कर लेना है साइड से बिल्कुल। इसकी साइडें अच्छे से बंद कर लेनी है ताकि स्टफिंग जो है वह बाहर ना निकले। प्रेस कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से पूरा कवर कर लेना है इसे दबा के। और इसमें हम अब डाल लेंगे डिज़ाइन, वो आपकी मर्जी है, आप इसे ऐसे भी रख सकते हो, डिज़ाइन भी डाल सकते हो। इस तरह से हम इसका डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए ये बनके तैयार हो गया है सिड्डू हमारा एक। अभी इसको स्टीम करेंगे बाद में। और इसी तरह से दूसरा वाला भी बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से गोल कर लेंगे। और इसमें अब हम स्टफिंग करेंगे ड्राई फ्रूट्स की, तो मैं दोनों तरीके से आपको बना के दिखा रही हूँ। इसे भी बंद कर लेना है साइडों से ऐसे इसी तरह से। और इसका भी डिज़ाइन बना लेंगे, आसानी से बन जाता है जिस तरीके से बनाना चाहते हो। ये भी तैयार हो गया हमारा। इसी तरह से मैंने सारे बना लिए हैं। तो इसके ऊपर हम लगा देंगे घी को, देसी घी का यूज़ करना है। ऊपर वाली साइड पे लगाना है। और जिसमें हमें स्टीम करना है इसे, उस प्लेट को भी ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से। और यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है एक पतीले में बॉईल करने के लिए। उसके ऊपर प्लेट को रख देंगे और इसमें अब हम रख लेंगे, जिस साइड पे घी नहीं लगाया है उस साइड से हम सिड्डू को रख लेंगे, क्योंकि प्लेट पे हमने घी लगा लिया था। तो जितने आएंगे उतने ही रखेंगे, ज़्यादा टाइट करके नहीं रखेंगे क्योंकि ये फूलते हैं बाद में।
अब इसे ढक देंगे और 20 मिनट बाद हम ढक्कन को खोलेंगे और चेक कर लेंगे। बीस मिनट हो गए हैं, अब इसका ढक्कन खोलते हैं। ये देखिए सिड्डू जो हैं वो फूल गए हैं और काफ़ी फ्लफी से बने हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। फिर से ग्रीस कर लेंगे और प्लेट को घी से, और इसमें हम दूसरा जो बैच तैयार किया है उसको रख लेंगे। और इसे फिर से ढक्कन लगा देंगे और 20 मिनट बाद इसको खोलना है। तब तक हम पहले वाले की कटिंग करके देखते हैं कैसे बने हैं। मैंने यहाँ पे एक सिड्डू ले लिया है, उसको अब कटर से काट रहे हैं इस तरह से। देखिए अच्छे से कट गए हैं, चाकू से भी काट सकते हो, इससे बढ़िया कट जाते हैं, इसलिए मैंने कटर का यूज़ किया है। अलग कर लेंगे इनको और साथ में रख लेंगे देसी घी और चटनी जिसके साथ ये खाया जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने फ्लफी से बने हैं ये, और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं ये, साथ में हेल्दी भी होते हैं। और इसे खाने का तरीका ये है कि इसे चटनी से लगा के और घी के साथ डिप करके खाया जाता है, और इसमें काफ़ी घी का यूज़ होता है। घी जो है हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तभी तो पहाड़ के लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो देसी घी खाया करें। ये देखिए इस तरह से डाल के आप डिप करके खाओगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं ये। अब मैं दूसरे वाले बैच को भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 20 मिनट बाद जब ढक्कन खोला है तो बहुत ही फूले फूले से हमारे सिड्डू जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसे भी मैं कट करके दिखाती हूँ आपको, देखिए कितने फूले फूले से बने हैं ना, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इसे भी मैंने एक ले लिया, इसके ऊपर डाल लेंगे चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लेंगे और इसे कट कर लेंगे। जो चटनी है उसमें हम निचोड़ लेंगे नींबू को, जिससे वो चटपटी सी हो जाएगी, खाने में अच्छी लगती है। और घी को डालेंगे उसी तरह से अच्छे से। सिड्डू जो है बनके तैयार है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।